कुमत तेलीनी परदारा निंदा रस रचिया परदारा निंदा रस रचिया राम भगत ने कीनी राम भगत ने राम भगत ने कीनी ते खोजत उद्याना ते खोजत उद्याना कटही माहे निरंजन तेरे कटही माहे निरंजन तेरे देखो जिते उद्याना मुक्त पंथ जान्यो ते नाहन मुक्त पंथ जान्यो ते नाहन धन जो धन जोरने का अंत संग काहू नहीं कीना अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बधाया बिरथा आप बधाया बिरथा आप बंधाया कटी माहे निरंजन तेरे कटी माहे निरंजन तेरे खोजते उद्याना घटी माहे निरंजन ते खोजत उदयाना मन रे कौन कुमत तैलिनी मन रे कौन कुमत तैलिनी परदारा निंदा रस रचे राम भगत ने कीनी मुक्त पंथ जान्यो ते नाहिं धन जोरन को दाया अंत संग काहू ने दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजया न गुर जन सेविया ना हर भजया न गुर जन सेविया मैं उपजो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन ते तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भर मत तै हारे अस्थिर मत नहीं पाए एक लफज अज दे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे इस शब्द विच चंगी तरह दृढ़ करने वाला है वो है मत मत शब्द का आरंभ भी मत तो होया है ਉਹ ਮੱਤ ही सुमत बनती है ਉਹ ਮੱਤ ही कुमत बनती है जैसी मत दे तैसा प्रकाश ਜਿਉ जी मत ਹੋਵੇ अंदर ਮਨੁੱਖ ਦੇ हर काम ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ मत प्रगट होंदी है प्रकाश होंदी है कि इसनूं आ मत मिली है इसदा चौगिरदा इसदा स्कूल इसदा कॉलेज इसदा अध्यापक इसदा गुरु अगवाई करने वाला इसनूं इहो जी मत दिंदा है जे मनुख नूं किसी दे काम तो उलांभा होवे ते कहंदा तू ये मत कित्थों लई है क्योंकि मनुख दी जिंदगी जीवन मत ते निर्भर है मत ते क्योंकि मन चलाउंदा है संसार नूं ते मन नूं दिया जन्म भी मत तो हुंदा है गुरबाणी ने मन्ने है माता मत पिता संतोख जिहो जी मत होवे मन ओ जिहा जन्म लेना गुरु ने दरमियान विच जिहड़ियां औकड़ां जीवन दियां एक लिस्ट दित्ती है ना ओनू पहला एक सवालिया फिकरे नाल जोड़िया है भी पढ़िया पर दारा निंदारा सरचियो राम भगत ने किन्नी मुक्त पंथ जानियो तै नाहन धन जुरन को दाया अंत संग कहो ने दिन बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो न गुरुजन सेवियो न उपजियो कछ के अन्ना घट ही माय निरंजन तेरे रब तेरे अंदर सी तै खोज तू दयाना तू जंगलों में ढूंढदा फिरिया। ये सारी परेशानियां उल्टे काम भरम यह होई जीवन की सफलता दे तस्वीर है। कहन लगे बहुत जन्म परमत तै हारियो स्थिर मत नहीं पाई। मैं देखिया ते बड़े जन्मां तो तू तैनूं मत नहीं मिल सकती। ये तेरी कुमत दी तस्वीर है। मन रे कौन कुमत तै लीनी इत्थों आरंभ होया है ते बाकी उस कुमत विचों जो कुछ जन्म लैंदा है उस कुमत दी जिहड़ी तस्वीर है मनुख उस कुमत तो जिहड़े कर्म करदा है बाकी सारे शब्द विच ओह ने अखीर ते फिर ओह लंबा है बहुत जन्म पर मत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई। कहन लगे मानस दे पाए पद हर बाजे तेनू मनुखा जन्म मिलिया है। नानक ने तेनू एक बात बताई नौवें नानक ने नानक दे नौवें जामे ने गुरु तेग बहादुर साहब ने तेनू एक गल समझ आई है तू समझ अजे भी समझ ले। मानस दे पाए पद हर भाजे। लो मैं हुण अखरी अर्थां तो बाद शब्द दी जिन्ना लफ्जां तो आपां पिछली बार तुरे सा उधर जोड़ना चाहना। कुमत कारण पता नहीं तू कित्थों मत लई ते एक ख्याल करियो मत एक दिन विच नहीं आउंदी। मनुख दी मत जिहड़ी है वो बहुत सारे दिन दृढ़ करनी पैंदी है ते उस दृढ़ करन दा नाम भजन है। मैं एक बार किसी पिछले दिन ऐसा कि आपां दो गल्लां अज विशेष विचारनियां ने वो पिछले शब्द विच आ चुकियां ने। उत्थे लफ्ज सन ना हर भजे दोनों लफ्ज इकट्ठे से ना हर भजे ना तीर्थ सेवा। पिछली बार शब्द सी मन की मन ही माहे रही ते उनके अगे सवाल सन ना हर भजे ना तीर्थ सेवा। इत्थों एक शंका पैदा होया भजन की है हर भजे का अर्थ की है ते तीर्थ दा अर्थ का बदल समझना पै गया। नहीं तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे जीवन नाल इहो जिहियां गल्लां जोड़ दित्तियां गईयां पिछली वारी लफ्जां सन कि मुरपित पूर्व की उस प्यान ना भांत भांत के तीर्थ नाना इहो जिहियां गल्लां जोड़ दित्तियां गईयां कि गुरु तेग बहादुर पातशाह भी खोरे तीर्थां ते गए इस ख्याल नाल कि उत्थों जाके पुत्र दी दात नसीब होवे। ये दो गल्लां समझण वालियां सन ते समझणीआं अपना बाणी विचों ही है। हूँ पिछली बार ना हर भचे ना तीर्थ सेवे दो गल्लां आईयां ने। ऐतकी तीर्थ नूं स्पष्ट कर दिता ने। उसे ही गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का अगला शब्द है जिथे हुण ना हर भजे ना तीर्थ सेवे नहीं, इत्थे तो कही है ना हर भजे ना गुरजन सेवे। बिल्कुल सेम दोनों गल्लां दा जिक्र आ गया। पिछली बार सी ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, ते ऐदकी दे शब्द विच उहनूं स्पष्ट कर दिता ने। कहंदे ने किसी नूं भुलेखा ना रहे भजन की है ते तीर्थ की है। तीर्थ है गुरजन, उत्थे तीर्थ सेवे सी लफज सी, इत्थे गुरजन सेवे लफज आ गया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो तीर्थ पूरा सतगुरु गुरदेव तीर्थ। गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरम परा गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार। गुरु ही तीर्थ है ते गुरु कोलों ही मनसा पूर्ण होंदी है। किसी तीर्थ तो जाके पुत्र नहीं मिलते। तीर्थ शब्द नूं किसे स्थान नाल किन्ने जोड़िया? जे गुरु बाणी दे अंदर बार बार कह रहा है तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ की है शब्द विचार। तीर्थ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ, जेड़ा गुरु का सच्चा ज्ञान है ओह ही असल स्थान तीर्थ है। बहुत देर हुई मैं एक वारज की सी कि तीर्थां का कंसैप्ट पैदा कदों होया? ब्रह्मनिज्म ने पैदा किया। उन्होंने 8-8 तीर्थ बनाए, एक नहीं दो नहीं। तो मैं एग्जाम्पल दिती सी क्यों बनाए। पुराने समय अंदर पिंडां दे विच लोग रहिंदे सन, शहरां दी गिणती घट सी, पिंडां दी ज्यादा सी। तो पिंडों विचों आण जाण दे साधन भी बहुत घट सन। तो वक्त दियां घर दियां लोड़ां हर एक दे हुंदियां सन, थोड़ियां किसी दियां ज़्यादा। भावें बहुतात लोड़ां जमींदार दे घर विच पैदा हो जांदियां सन, पर फिर भी बहुत सारियां लोड़ां ऐसियां सन जिहड़ियां मार्केट नाल बाज़ार नाल संबंध रखदियां सन। इसलिए उन्हां दियां उस लोड़ां नूं मुख रखदियां फेरी वाले आउंदे सन। तुहानूं याद होएगा पिंडां विच फेरी लैके आओ, सब्जियां दी फेरी लगनी, कपड़ियां दी फेरी, कपड़े मगर लद्दे होने साइकिल दे। 2-4-6 थान जिहड़े आम पिंडां च विक जाण ते उहनूं कहंदे सन फेरी वाला आया है। पिंडां दे लोग कई बारी बीबियां उडिकदियां रहिंदियां सन फेरी वाला आवेगा, उहदे कोलों आह चीज़ां लवांगीआं। फेरी ते फेरी दा मतलब सी तुहाडी दुकान जिहड़ी है ओह तुहानूं तुर फिर के गलियां विच होका दे के चलाउणी पैंदी है, उत्थों कुछ मिलदा है। दुकान इहो चलदी है। ते जिन्हां दे सियाणप दा साधन वधिया उन्हां आखिया बजाय इस गल दे दुकान पा लो, बजाय एक एक गाहक दा गली विच जाके कुंडा खड़काना आवाज़ देनी उन्हें आके कुछ लेना, उनकी बजाय गाहक साढ़े कोल चल के आवे। माल ज़्यादा रखो, वैरायटी ज़्यादा रखो, गाहक आप चल के आवे, तुहानू की लोड़ है पिंडां 'च फिर और इंदा तुसीं कदे हुण देखिओ हर अमीर व्यक्ति ने बिजनेसमैन ने फेरी छड्ड के दुकान पाई, उत्थे गाहक आप आया, उन्होंने आख्या इत्थे तैनूं आ मिलेगा, इत्थे तैनूं अजकल तो बहुत वध गया, एडवरटाइजमेंट वध गई, एडां दित्तियां जांदियां ने फलाणी दुकान तो आ मिलदा आ वैरायटी मिलदी। बाहर नहीं इस तरह कदी समासी ब्राह्मण नूं अपने जजमानां दे घर विच जाना पैंदा सी उन्हां नूं समझाण आपदे मगर लाउण लई ते उत्थों दक्षिणा लैण लई घरां विच जाना पैंदा सी। पर बड़ा सियाना निकलिया ब्राह्मण, उन्हें आखिया दुकान पाओ, मैं क्यों घरां विच जावां एक एक जजमान कोलों कुछ लैण वास्ते, जजमान आवे। लो उस दुकान का नाम तीर्थ बन गया, इत्थे आओगे आ मिलेगा, इत्थे इशनान करोगे पुत्र की दात मिलेगी, इत्थे इशनान करोगे वो चीज़ साडे विच भी आ गई। मेरा ब्राह्मण अपने आप वाली चात मारिए, जे सन साहब विचों एक बार लंघ जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। एक बार लगन किड़ा औखा है, जे नहीं जल्दी मुक्ति हो जाए, मुक्ति की है ये भी समझाने की लोड़ नहीं। बहुत लंबा असी इत्थे कुछ समझ लाने बहुत लंबा चौड़ा सबजैक्ट समझने लगे। उस दुकान ने दुकानदारी ने तीर्थ बना देते, हर जजमान नू अपने इत्थों तक मजबूरी हो गई कि जे कोई गुजर भी गया तो उनके फुल लैके भी उत्थे जाएगा तो मुक्ति होगी। दुकान ते जाना जरूरी है। लो इतों तीर्था ने जन्म लिया, तीर्था ने जन्म लिया ते गुरु ने आख्या नहीं, तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अज तक सदियों तो ब्राह्मणिज्म सिखी कंसैप्ट सिखी सिद्धांत का दुश्मन क्यों बनया हुआ है? अज भी है। कोशिश होती है, उन्हें पता है भी सिख कतल होया खत्म नहीं होएगा, इनका सिद्धांत खत्म हो जाए तो यह खत्म हो सकता है। सिख जीवंदा ही सिद्धांत करके सिख का सतगुरु ने बाणी में सिखी सिख्या गुर विचार सिखी है कि गुरु दी विचार गुरु दा सिद्धांत सीखना ते उस दा ना ही भजन है। आ लफ्ज क्यों आए ने? ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो। लो भजन की है। गुरु कहते हैं तीर्थ तो गुरु आप है, मनसा पूरन वाला भी आप है। भला मनसा पूरन वाला जे आप है, गुरतीर्थ गुरपार जात गुरु मनसा पूरन हार, तो फिर ओनू मनसा लाए के पुत्र दी तीर्थां ते जाण दी की लोड़ सी? जुड़िया गया सिद्धांत साडा खत्म करन लई ते गुरु दे नाम ते खत्म करन लई। गुरु तेग बहादुर पातशाह पुत्र दी दात वास्ते प्रयाग त्रिवेणी नहीं जा सकते, विश्वास हो क्योंकि गुरु आख रहा है। ओहो गुरु अगली लाइन अंदर साडा भुलेखा दूर कर रहा है कि किते उस स्थान नू तीर्थ ना समझ लई, बल्कि इथों तक कह दिता बाणी ने, तीर्थ जाओ ता हो करते पंडित पूछो तो माया रहते। वो तो दुकानदारी है, बड़ा हासी भी दई। कभी तुसी कौड़ी सच्चाई नू ध्यान नाल देखियो। असी भी अपने दुआले तीर्थ इस तरह इस गुरुद्वारे आ कुछ करो पिछले दिनों च आया भी वो जो गुरुद्वारे भी पैदा कर दिते गए जिस किसी ने बाहरले देश जाना है जे उन्होंने वीज़ा नहीं मिलता तो इत्थे लिया के हवाई जहाज़ खिडौने का भेंट करो बस वीज़ा मिल जाएगा। अजीब गल्लां। ये ब्राह्मणिज्म सी, एक दुकानदारी सी। तो गुरु ने आख दिता कोई स्थान ऐसा नहीं जिस स्थान तो तेनू कुछ मिल सके, वो मिलेगा सिद्धांत तो, ते सिद्धांत गुरु कोलों मिलेगा। इसलिए भजन कर, भजन का मतलब है किसी चीज़ नू दृढ़ करना, बार बार किसी चीज़ नू आपां कहने वाहगुरू 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 की चलो तो भजन। ये ठीक है, ये लफज इतों तक ठीक है कि दृढ़ करने लई किसी चीज़ नू अंदर टिकाना पैंदा है, बार बार याद करना पैंदा है। बहुत देर हुई, मैं इस संबंधी भी एक बारी एग्जाम्पल दिती सी भी अज तो 60 साल पहला कभी असी स्कूल जो जाते सते उदों के रिवाज से पहला जांदियां क्लास में सारी नू खड़ा कर लेंदे सन, लो भी पहाड़े याद करो। एक नू मनीटर बना देना, उन्हें अगे पहाड़े पढ़ना तो असी सारे विद्यार्थियों ने मगर पहाड़े पढ़ना रोज़ ही। वो हर रोज़ पढ़न नाल पहाड़े याद हो जाते। तो मैं अर्ज की, मैं क्या 60 साल पहला दे याद किए हुए खलो के पहाड़े अज भी मैं याद नहीं, क्योंकि अंदर टिक गए। तो गुरु कहते ने इस लाभ उठाद तू आख्या भी खौरे वाहगुरू 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 कहने नाल पहाड़े वागू याद, किनू नहीं पता वाहगुरू कहना भजन। पर गुरु ने रसना तो आख्या असल में याद करने वाली, अंदर टिकाने वाली जी चीज़ है वो की है? गुरबाणी है। गुरु कहते तज हमें गुर ज्ञान भजो। गुरबाणी है। गुरु जरा उपदेश करे ना, उपदेश जो दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी करने, तो फिर सुन के जिन सतगुरु का भाणा मन्निया तो निचड़ी च वगन बने। जिहड़ी गल गुरु आखदा है उन्होंने याद कर लै, क्योंकि गुरु रब प्रति ये गल कहता है हरि दे गुण याद कर। पिछले दिनों भी आ चुका है कि रब दे हरि दे कोई वखरा स्वरूप नहीं, उनका वखरा कोई सतवें आसमान ते सचखंड भी नहीं। असी बना दिता है ब्राह्मणिज्म तो बगैर लग के असी भी हो रही साखियां कट दित्तियां। मैं भाई बाले की जन्म साखी पढ़ रहा सी, हैरान होया कि गुरु नानक पातशाह एक पहाड़ ते गए ने ते बाला आखदा जी आपां कित्थे आ गए हैं? तो गुरु कहंदे ने धरती तो 50,000 योजन उत्ते आ गए हैं। हुण अंदाज़ा लाओ किन्ने हज़ार मील बन जाएगा उचाई। असी साखियों में पा दिता कि धरती तो 50,000 योजन उच्चे आ गए। कह लगे जी इस थान का नाम की है? तो आखिर गुरु नानक ने आखिया ऊना पहाड़। ऊना पहाड़ हुशियारपुर की तहसील है। मैं बचपन में उत्थे रहा। इन्ने हज़ार योजन कितों चाई आ गई, पर लोगों को पढ़न के साधन नहीं सन, ज्ञान के साधन नहीं सन, जानन के साधन नहीं सन। उन्होंने जो कुछ मर्जी लिख के दे दे मन जाते सन। उतों गुरु नानक सचखंड में गए तो उत्थे मरदाने को छड्ड दिता। साखी है। मरदाने ध्रुव के मंडल से छड्ड दिता तो आखन लगे बालिया मरदाने की उन्नी उच्ची बिरती नहीं है, सचखंड नहीं जा सकता, तू नाल चल। क्योंकि बाले ने साखी बनानी है, इसलिए उनका नाल जाना जरूरी है। वो वेखेगा ताई लिखेगा ना, तू नाल चल। तो बड़ी अजीब गल है, मरदाने की उच्ची बिरती नहीं तो जिंदी उच्ची बिरती नहीं उनकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब विच है, उनका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब विच है। तो भाई बाले का ना कोई नहीं ना भाई गुरदास याद है ना, वो भी आख रहा कि एक बाबा अकाल रूप दूजा हरबाबी मर्दाना, बस। तो मेरे कहने का मतलब इथों तक यह है कि मनुख नूं समझाने की बजाय, समझ देने की बजाय, उपदेश तो सी भी रब जिहड़ा है, प्रभु जिहड़ा है, वह वखरे स्वरूप विच किसी वखरी मूर्ति या वखरे बुत विच नहीं, किसी बुत विच नहीं, वो गुण रूप है। पिछले दिनों आ चुका है कि वो खुशबू रूप है, खुशबू जड़ी दिसदी नहीं, हाँ गुण है, खुशबू गुण है। तो कैसी पोप मद ज्यों बस बसता है मुकरमाएँ जैसे छाई, तैसे ही हार बसे निरंतर खाटी हो जो पाई। रब खुशबू गुण रूप हो के तुहाडे साडे सारे विच रह रहा है, वो गुण है। तो गुरु का कहने का मतलब कि उपदेश की है, गुरु आखदे ने उनके गुण याद कर लो। भजन का की है, ना हर भजयो ना गुरजन सेवियो। तू गुरु दे नेड़े नहीं होया, गुरु दा ज्ञान नहीं भजया, इसलिए तैनू रब दे गुणों दा भी पता नहीं लगा। याद करन वाले, दृढ़ करन वाले, भजन करन वाले सन रब दे गुण, वो तू किते नहीं, पता नहीं तैनू कित्थों मत मिली है। मन रहे कौन को मत लेनी, ना हर भजयो ना गुरजन सेवियो। गुरु सी तीर्थ, तू होरना तीर्थां ते रब नूं ढूंढदा फिरिया। गुरु सी खुशबू रूप, गुण रूप, तू उनके गुण दृढ़ करन दी बजाय, उनके गुणों नूं भजन दी दृढ़ करन दी बजाय, अंदर टिकाण दी बजाय, उल्टा होया कि कुमत नाल। अगली लाइन अंदर एक लफज कहन लगी, ना हर भजयो ना गुरजन सेवियो, न उपजो कछ ज्ञाना। ज्ञान उतों पैदा होना सी भी रब की है, भजन की है, तीर्थ की है। इस गल का पता लगना सी प्रभु दे गुरु दे ज्ञान रूपी शब्द विचों, वो तू कीता नहीं। ना गुरजन सेवियो मैं उपजो कछ ज्ञाना, ते नतीजा की होया, घट ही माहे निरंजन तेरा। रब तेरे अंदर सी, तू जंगलों में ढूंढदा फिरियो। रब तेरे अंदर सी, तू मंदिरों शिव दुआलियां ते गुरुद्वारियां में रब नूं ढूंढण चला गया। केडी अजीब गल है। उसका नतीजा है मनुख आपा सवारन दी बजाय मंदिर ते गुरुद्वारे वड्डे बना रहा है, उत्थे सोने दियां पालकियां बना रहा है, उत्थे सोने दे दरवाजे बना रहा है। पर आप, गुरु कहंदा है आप सवारे मैं मिले। कदी तू अपने अंदर, क्योंकि रब ते तेरे अंदर है, तू आप नूं सवारदा नहीं, अपने आप नूं अंदर चेते नहीं करदा। हरी गुण रूप सी, उस गुण रूप ज्ञान जिहड़े सन उहनूं तू अपने अंदर भजन नहीं कीता, दृढ़ नहीं कीता। भजन दा मतलब दृढ़ करना, पहाड़ियां वांगू टिक जाए अंदर। जे असी आखिए भी वह बख्शिश करने वाला बख्शिंदा है, तो सानू पता होवे बख्शिश की हुंदी है। जे आखिए वह दाता है, तो सानू पता होवे वह दाता किहो जिहा है, तो दाता की हुंदा है। गुरु कहंदे ने इसलिए जरूरत है शब्द नूं विचारन दी। तीर्थ शब्द विचार अंतर्ग्यान है। गुर ज्ञान सच्चा थान तीर्थ, जिहड़ा गुरु का ज्ञान सच्चा, सच्चा ज्ञान शब्द रूप गुरु का ज्ञान है ना, वो ही तीर्थ स्थान है। तेनू किसी होर तीर्थ स्थान ते जाण दी लोड़ नहीं। जिस दिन तू अपने अंदर गुरु शब्द रूप ज्ञान नू बख्शाल, असल विच अस्थान बने सन। सतगुरु ने बाणी अंदर क्यों आख दिता, मैं बद्दी सच धर्मशाल है, गुर सिख ਅੱਖਾਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਸਥਾਨ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਤ ਸੰਗ ਲਈ, समझन लई, शब्द दी विचार लई, इसलिए नहीं कि मैं उत्थे यात्रा करावां बस ठीक हो गया। तीर्थ दा मतलब भी ये उसी तीर्थ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। गुरुद्वारे बने सन उत्थे बैठ के असी शब्द दी विचार कर सकीए। तीर्थ बने सन जिथे बैठ के शब्द दी विचार, ज्ञान दी, रब दी गल हो सके। केवल दुकानदारी नहीं, अज भावें कौड़ी सच्चाई है, भावें मंदिर ने, भावें गुरुद्वारे ने, भावें तीर्थ ने, सब दूजे लफ्जां विच एक दुकानदारी बन गई है। तो गुरु अपनी रचना तो कहंदे ने भलिया ये गल बनी क्यों है? क्योंकि तू कुमत लई है, सुमत नहीं लई है। जैसी मत दे तैसा प्रकाश। तू अपने जीवन अंदर हर गल जिहड़ी है वो एक व्यापार वांग कीती है, प्यार नहीं। तू हर गल इस बल्कि मैं तो एक अर्ज कीती सी कि मनुख गुरु घर विच भी आउंदा है तो एक व्यापारी बन के आउंदा है। इत्थे मत्था टेकदा है, 10 मंगां अगे रखदा है, जे नूं पता होवे इत्थों कुछ नहीं मिलना। मैं एक वार कीती सी जे मनुख नूं ये विश्वास आ जा गुरुद्वारे गिया कुछ नहीं मिलता, कदे नहीं आवेगा, कदे नहीं आवेगा। किसी तीर्थ ते गिया कुछ नहीं मिलता, कदे नहीं जावेगा। जपजी साहिब दा पाठ कीते कुछ नहीं मिलता, कदे नहीं करेगा। गुरु ने अपनी रचना तो कह दिता भलिया जो गुर कहे गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पर मन। विश्वास कर ये थां ऐसी है जिथे व्यापार नहीं प्यार चलता है। इत्थे सौदे प्यार दे हुंदे ने, व्यापार दे नहीं। इत्थे बिल्कुल सी गुरु दी अजीब गल है। गुरु दा घर एक ऐसी मर्यादा है, इत्थे गुरु ये नहीं आखदा कि तू एने डॉलर मत्था टेके तां ही आवीं नहीं तो ना आवीं। दसो और मैं फिर बार बदरा दिया इस अस्थान दी मर्यादा आपां इहो रखनी है इत्थे कोई मंग नहीं किसी किस्म दी भी। बेशक ना गुरु मंगता है ना असी मंगते हैं। बोले सो निहाल। इत्थे कोई मंग नहीं, एको ही मंग है कि तू गुरु वाला बन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का उपदेश दृढ़ कर, किसी गल की होर मंग कोई नहीं। बड़ी खुशी नाल परख के देख लियो, इत्थे ना कुछ मत्था टेको ना कुछ कीर्तन भेटा रखो तद भी इत्थे आओ। इत्थे कोई मंग नहीं, इत्थे किसी किस्म की, क्योंकि इस दरबार इहो जिहा है जिथे केवल प्यार दे सौदे ने, व्यापार दे सौदे नहीं। ते जिन्ने साडे तीर्थ अस्थान ने, जिन्ने साडे धर्म दे अस्थान बनाए ने, क्यों गुरु बख्शिश करे कदी धर्म दे अस्थान बन जान। जिवें गुरु नानक ने आखिया सी मैं बद्दी सच धर्मसाल है, पर अज जदों चुगिरदे वेखना मैनूं फिर मूँह रंधी नहीं गल। कल ही एक समागम ते जाना है सवेरे किसी दे घर, उस वीर ने कीर्तन वास्ते बुलाया सी ते समय दे मुताबिक अपने उनके ख्याल मुताबिक समय के मुताबिक वो गुरुद्वारे गया तो कह लगा मैनू ग्रंथी सिंह भेज दियो, क्योंकि असी ये मजबूर ज़ाहिर की सी भी इत्थे असी 11 बजे शुरू करना। वो गुरुद्वारे गया भी एक ग्रंथी सिंह भेज दियो, वो अरदास कर देगा, हुक्मनामा लै लेगा। तो बदले में पता जो जवाब की मिले, मैं किसी थां का नाम नहीं लेना। जवाब मिलिया कि जे तू साढ़े जत्थे कोलों कीर्तन नहीं करांदा तो तेनों असी ग्रंथी जां प्रचारक नहीं दे सकते, नहीं दिता। तो मैं हैरान हुन्ना वो भलिया गुरु घर गुरु अस्थान बने सन गुरमत प्रचार ले, इत्थे वपार नहीं है। वपार तो उच्चे उठिए, गुरु नाल रिश्ता कायम करिए प्यार दा। ते जिस दिन असी सतगुरु ने बाणी विच क्यों आख दिता सम्मन जो इस प्रेम की दाम के हो 30-60 गुरबाणी है। कहते हैं ये सम्मन जे इस प्रेम की दमा नाल भाव दौलत नाल दम पुराने जमाने दमड़े नूं कहंदे सन ते दम तो अर्थ है गुरबाणी अंदर दमड़ा रुपया पैसा। कहन लगे जे इस प्रेम का सौदा किसी दमड़िया नाल हो सकता तो फिर रावण तो सोने की लंका वाला इन्ना अमीर सी, उन्हों अपना सिर कट के क्यों देना पैंदा, उन्होंने जरूरत पैंदी ते वो दमड़िया नाल ही रब खरीद लेंदा। समन जो इस प्रेम की दम के होती 60 रावण होते से रंग नहीं, वो गरीब नहीं सी जिन सिर दी ने काट। कहन लगे इसलिए इत्थे सौदे केवल प्रेम देने ते प्रेम मिलता है गुरु ज्ञान विचों शब्द ज्ञान विचों। इसलिए जे मत लैनी है, जे भजन करना है, भाव दृढ़ करना है मत नूं, तां केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी केवल बाणी दी गुरु दी मत हिरदे विच धारण कर ते चंगी तरह दृढ़ कर, भजन कर, याद कर। ते जे तू नहीं करेगा तो फिर कुमत का जिहड़ा असर है उनका जिक्र गुरु तेग बहादुर पातशाह आखरा ने कहते हैं मन रे कवन कुमत तैलीनी परदारा निंदा रस रचिया राम भगत मुक्त पंथ जान्यो तैना तन जो रहने का धाया अंत संग कहूं ने दीना बिरथा आप न गुरजन सेविया न उपजा कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे घट ही माहे भजन दे लफज नू स्पष्ट कर दिता। तज हो में गुरु ज्ञान भजो, उन्होंने हिरदे च वसाओ, दृढ़ करो। भजन दा दृढ़ करना, पहाड़ियों वांगू याद करके अंदर टिका लेना। तज हो में गुरु ज्ञान भजो। ते तीर्थ जिमें पिछली बार आखता सी ना हर भजियो भजे ना तीर्थ सेवे, ऐतकी स्पष्ट कर दिता ना हर भजियो न गुरजन सेवे। गुरुदेव तीर्थ है, किसी होर तीर्थां दी आस ना रख जित्थों कुछ मिलेगा। जे गुरु नाल अपना रिश्ता कायम कर लवें, शब्द नूं जीवन दा हिस्सा बना रहे। तो गुरु ने अपनी बाणी विच आखे क्यों आख्या मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लग रहा हो, बस इहो मेरा तीर्थ है। इन शब्दां नाल खिमांदा जा चुका। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।